अगर आंखों के काले घेरों ने आपको घेरा हुआ है और पफिनेस की वजह से आंखें अच्छी नहीं लगती, तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखो। ये आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा, पफिनेस को कम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक कुकुम्बर यानी खीरा, उसे मैं एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी। आप चाहो तो किसी मिक्सी में इसको पीस भी सकते हो। आपको इसे ग्रेट करना है छिलके के साथ में, इसे आपको पील नहीं करना है। खीरे में विटामिन के होता है जो कि हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें जो कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी आईज को काफी ज्यादा रिलैक्स देती हैं। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है एक खीरे को अच्छे से ग्रेट। इसके बाद में मैं यहाँ पर लूंगी एक बनाना और इसे सबसे पहले मैं छील लूंगी। और फिर हाथों की हेल्प से ही इसे तोड़कर बोल में ऐड कर दूंगी जिसमें हमने खीरे को ग्रेट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आप चाहो तो इन दोनों को किसी मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस भी सकते हो। अब इसे किसी फोक की हेल्प से मैं अच्छे से मैश कर दूंगी। बनाना में मौजूद पोटेशियम हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स और पफिनेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। बनाना को मैश करने के बाद में मैं एक बार इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि मैश करने के बाद भी अच्छे से मिक्स नहीं हुए थे, तो मैंने इस तरीके से एक स्पून से इन्हें मिक्स कर लिया है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसके बाद में मैं एक आइस ट्रे में इन्हें फिल करूंगी। इसे इस पेस्ट के साथ फिल करने के बाद में आप इसे जमने के लिए फ्रिज में रख दें, और जब ये जम जाएंगी तब आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन, जो कि आपके डार्क सर्कल्स और अंडर आई पफिनेस को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। आप इन आइस क्यूब्स को आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। ये आराम से आपके हफ्ते भर या 2 हफ्ते चल जाएंगी। फिर आपको करना क्या है, एक आइस क्यूब लेके अपनी अंडर आई पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस तरीके से रब करना है, बहुत ही हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आपको ज़्यादा ठंडा लगे तो आप रुक रुक के इस प्रोसेस को कर सकते हो। पूरी आइस क्यूब आपको ख़त्म नहीं करनी है, आप थोड़ी देर मतलब 1-2 मिनट करने के बाद में रुक जाइए। और आप चाहो तो इस आइस क्यूब से पूरे फेस पर भी रब कर सकते हो, इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होगी और आपके डार्क सर्कल्स और पफिनेस तो कम होगी ही। आप इस तरीके को एक बार अपना कर देखो। अगर आप इन आइस क्यूब को यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये कैसी लगी रेमेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।